क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस तरह सर पटकने से कुछ नहीं होने वाला है नताशा। जब एग्जाम सर पे होती है ना तो पढ़ाई की जरूरत होती है। मुझे एग्जाम्स का टेंशन नहीं है दीदी, मुझे तो अपने इन बालों का टेंशन है। क्यों, अब तक तेरे बाल झड़ना बंद नहीं हुए? नहीं, और अगर इसी तरह झड़ते रहे तो मैं कॉलेज क्वीन कैसे बनूंगी दीदी? वो तुम्हें बनने की क्या जरूरत है, वैसे भी तुम्हारे कॉलेज के 25 और हमारे बिल्डिंग के 5 लड़के प्रपोज कर चुके हैं तुम्हें। हाँ, लेकिन वो तो मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के वजह से। क्या नहीं, कॉलेज क्वीन बनने के लिए काले लंबे घने बालों की जरूरत होती है ना। तो फिर तुम्हारी जीजू के कंपनी का नया शैम्पू इस्तेमाल करके देखो ना, जड़ों से बालों को खूबसूरत बनाने वाला नया हेड क्लीनर शैम्पू, साथ में एक शेविंग क्रीम फ्री। नहीं नहीं दीदी, वो क्या है कि कॉलेज क्वीन बनने के लिए मैं और एक साल सेकंड ईयर में रहना पसंद करूंगी, लेकिन किसी ऐरे गहरे कंपनी का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करूंगी। क्यों? पता है दीदी, उस दिन मैंने एक शैम्पू की एड फिल्म देखी, उसमें उस मॉडल के काले लंबे घने बाल थे, लेकिन लेकिन क्या, कल मैंने उसे अपने कॉलेज में देखा। हाँ हाँ, वो गंजी है दीदी। क्या कमाल है, कमाल है, ये शैम्पू ने तो कंपनी का किस्मत बदल दिया। क्या सेल है, 1 करोड़ बोतल एवरी डे। थैंक यू भगवान, सब कुछ दिया तुमने, सब कुछ दिया। नहीं, लेकिन एक चीज भूल गया, सब लोग को दिया, भिखारी को भी दिया, लेकिन मेरे सर पे एक बाल नहीं दिया, एक बाल नहीं दिया। क्या ये लैंड हमेशा बैरन रहने वाला है क्या? हाय पॉप्सी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या है? मेरे गंजे सर पे बाल उगने के लिए दवा? ओफो पॉप्सी, रेगिस्तान में गुलाब उग सकता है लेकिन आपके इस गंजे सर पे कभी बाल नहीं उग सकता। मालूम है, इसके तो लाचार यहाँ बैठा हूँ मन में उसको गाली देते हुए। डोंट वरी पॉप्सी, आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं ये घोड़े के बालों का मजबूत विग लेकर आई हूँ। पॉप्सी, इसे पहन लीजिए और हमेशा के लिए अपने सर से गंजेपन का टेंशन उतार दीजिए। ओह माय गॉड, ये तो हम डर लगता है सर। अरे सर, ये तो कमाल हो गया सर, 10 दिन पहले तो इस गंजे सर पर एक भी बाल नहीं था, अचानक आप ये बाला बाल कैसे हो गए सर? Nonsense and come straight to the point. इतना दिन किधर था? सर मैं तिरुपति गया था सर। तिरुपति क्यों? यस सर, अपनी कंपनी के शैम्पू की सेल बढ़ जाए इसलिए वहां जाकर अपनी मूछें चढ़ा कर आया हूं सर। क्या बात है, मुझे निकाल दिया, वेरी गुड, क्या सैक्रिफाइस है सर। इस कंपनी के लिए मैं अपनी मुझे तो क्या बाल भी चढ़ा देता, फिर अचानक ख्याल आया कि बाल भी चढ़ा दिए तो इस शैम्पू का एक कस्टमर कम हो जाएगा। कितने ऊंचे विचार है, देखा कंपनी की कितनी फिक्र है उसको। ये तो कुछ नहीं पॉप्सी, आपको पता है हमारे शैम्पू को प्रमोट करने के लिए आनंद बिना नहाए बिना बाल बनाए पिछले 2 महीने से मार्केट में घूम रहा है। ऐसा घूमेगा तो सेल कैसा होगा? भाइयों बहनों, हमारी प्रोडक्ट की अगली पादान पर वो प्रोडक्ट जो टीवी स्क्रीन हो या आईना पल भर में चमकाता है, इसीलिए तो इसका नाम है स्क्रीन टेस्ट लिक्विड सोप। टन टन स्क्रीन टेस्ट लिक्विड सोप टन टन। नहीं, टन टन का म्यूजिक मैंने दिया था। बिल्कुल सही नाम है। अच्छा ये बताओ कि मेरे इस नए प्रोडक्ट हेड क्लीनर का क्या हाल है? वो तो मैं यूज नहीं कर सकता नो। अरे नो, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसकी सेल कैसी है। ओह सेल, हाँ? एकदम बढ़िया, मालिक तो मालिक, उनके कुत्ते भी नहीं नहाते इसके बगैर। 200 बोतलें बेचता हूँ। किनको? कुत्तों को? नहीं नहीं, कस्टमर को। मैं केमिस्ट। ये क्या है? ये यही है वो हेड क्लीनर शैम्पू, घने काले मजबूत घुंघराले बालों का फॉर्मूला नंबर 1, इससे बाल कभी नहीं झड़ते। झड़ते नहीं है तो ये क्या है? तू मेरा गंजा नंबर 1। अरे बाल सुंदर जी, अरे इतने घने बाल थे कल और आज क्या हुआ ये? तेरे हेड क्लीनर शैम्पू का कमाल है, एक बार इस्तेमाल किया सारे के सारे बाल गायब। बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, वाइड इफेक्ट। कौन सप्लाई करता है तेरे को, उसका पता बता, उसके सर पे आपन एक बाल नहीं छोड़ेगा क्या? ये बता वरना तेरे ये टीवी स्क्रीन के साथ दुकान के सारे शीशे तोड़ डालूंगा। सच्चे जो खुद गंजे होते हैं वो दूसरों के घरों में गंजे नहीं भरा करते। मैं ये कह रहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर टक्कर नहीं देते। खोपड़ी बाल सुंदर को नहीं जानता क्या? खोपड़ी बाल सुंदर, अरे बड़ा खतरनाक आदमी है, अगर ये तेरा मर्डर भी कर देगा ना तो इसका बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बाल का नाम नहीं लेने का क्या? मैं इसको समझा रहा था,
भाग भाई भाग भाग, बाल बाल बचाए तो। ए, बाल का नाम लेके बोल रहा हूँ, बाल का नाम लेके। शाने चल वटक वटक। ठीक है चलता हूँ, वैसे भी मैंने इस महीने का लाइफ इंश्योरेंस का हफ्ता नहीं भरा है। अभी तेरी लाइफ अपन के हाथ में है क्या? ठीक है सर, फिर इस महीने से हफ्ता मैं आपको दे दिया करूँगा। सटक शाना बन शाना बन शाना बन। भाग गया। कौन था ये लंगूर? यही मेरा फ्रेंड शैम्पू सप्लायर। शैम्पू सप्लायर था। पहले क्यों नहीं बताया? क्या हुआ? अरे बाल आ गए, बाल आ गए, बाल आ गए। बोनी बोनी, कब से डोरबेल बज रही है, दरवाजा क्यों नहीं खोलता? नहीं नहीं प्रिया भाभी, मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। क्यों? मेरा दोस्त बंटी आने वाला है। तो क्या हुआ? मैंने उसे 1000 रुपए उधार लिए और आज लौटाने का वादा किया है। बोनी तू कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं। ठीक कहा आपने। बोनी ठीक है, मैं ही जाके देखती हूँ कौन आया है। ओहो आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, जल्दी से कहीं छुपा दो। क्यों? पड़ोसियों के बच्चों के साथ तुम लुका छुपी खेल रहे हो? पड़ोसियों के बच्चों के साथ नहीं, बल्कि उस कंबख्त गंजे के साथ खेल रहा हूँ। गंजा? कौन गंजा? पान वाला शर्मा होगा। क्यों आनंद, कितने पैसे उधार लिए? अरे बेवकूफ, ये वो गंजा नहीं है, ये वो गंजा है जिसे मैंने हेड क्लीनर शैम्पू बेचा था और जिसे इस्तेमाल करने के बाद वो बिल्कुल गंजा हो गया, सपाट सपाट सपाट। क्या गंजा फिर से गंजा हो गया? ओह गॉड, पता नहीं शादी के बाद मेरे सर पे इतने बाल कैसे बच गए। अरे वो पहले गंजा नहीं था, बल्कि मेरा शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद गंजा हो गया, सपाट सपाट सपाट। इतना बड़ा साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट नहीं, वाइड इफेक्ट, सपाट। वो आ गया मोनिका। क्या प्रिया? वो आ गया। अब मैं क्या करूं? आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस टकला। प्लीज मुझे कहीं छिपा दो, वरना ये टकला मुझे टोकर के ले जाएगा। छिपा दो? हां, अपना 10 बाय 10 बाथरूम इतना बड़ा है, मैं तुम्हें वहीं छुपा दीजो। अरे वहां नहीं। बाथरूम तो उधर है। पता नहीं ऐसा लग रहा है मैं दिमाग से टकला गया। चल टकली। अरे मुझे सब जगह टकले क्यों नजर आ रहे हैं? बोले कहा आनंद सिन्हा? कहा है आनंद सिन्हा? बाथरूम में नहीं है, ऑफिस से अभी तक लौटा नहीं। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। प्रिया भाभी, प्रिया भाभी, छोड़ दे उसे, अपने किसकी शादी भी नहीं हुई है, बेचारा बाल ब्रह्मचारी है। बाल का नाम नहीं लेने का, बाल का नाम नहीं लेने का। आई एम सॉरी मिस्टर बाजरे, आपका नाम क्या है? बाल सुंदर। बाल सुंदर, ये तो वही कहावत है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। एनीवे आपके नाम बाल सुंदर से बाल तो नहीं काट सकते ना? गाय को अपने जख्मों पे तू नमक छिड़क रही लिए? बता आनंद सिन्हा कहाँ है? अरे बता ना, आनंद सिन्हा अभी तक ऑफिस से लौटा नहीं। लौटेगा भी नहीं, लौटेगा भी नहीं, आज अपन उसको टपका के छोड़ेगा। क्या आनंद को जान से मार डालेंगे? नहीं, तड़पा तड़पा के मारूंगा। उसने मेरे बाल छीने ना, मैं उसके हाथ पैर सब छीन लूंगा। नहीं नहीं सुंदर भाई, ऐसा नहीं करना। अरे आपके बाल तो फिर से उगेंगे, लेकिन आनंद सिन्हा के हाथ पैर फिर से नहीं उगेंगे। मेरे बाल भी फिर से नहीं उगेंगे। क्यों? आपके बाल उगने की एक्सपायरी डेट खत्म हो गई? नहीं रे, भगवान से मन्नत मांगने के बाद मिले थे ये बाल। लेकिन आनंद ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। ये अपन कुछ नहीं जानता है, अपने को अपने बाल वापस चाहिए, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर, समझे? 10 दिन बाल बाल बच गए। क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो यूं ही बाल की खाल निकालता रहा। बाल का नाम नहीं लेने का बोला ना। ओके बाल। जाइए ना, जाइए ना, जाइए जाइए, इडियट टकले। इधर क्या देखता है, इधर क्या देखता है? अंडू सीधा देखो इधर। हाँ एक चीज ध्यान रखो, एक चीज याद रखो कि 10 दिन के अंदर अंदर असली बाल नहीं उग सकता है। अरे 10 दिन के अंदर अंदर आलू उग सकता है, गोभी उग सकता है, केला भी उग सकता है, लेकिन बाल नहीं उग सकता। सर कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो गंजा बाल सुंदर आनंद के साथ साथ हमारे भी एक एक बाल नोच लेगा। सर एक एक बार क्यों, गंजा तो पूरा बाल ले लो, ले बस, लेकिन हमारी कंपनी को ताला नहीं लगेगा। सर माना कि इस विग ने आपके सर को 4 चांद लगा दिए, लेकिन उसे तो असली बाल चाहिए, असली। पर असली बाल किधर से लाएगा? अगर असली बाल हम उगा सकता है तो हमारा डोंबा सड़ नहीं होगा। आनंद तुम ये हेलमेट क्यों नहीं उतार रहे हो? दीदी मुझे लगता है कि जीजू को आज फिर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने डांटा है। अरे नहीं बस साले, मैं तो सिर्फ उस गंजे बाल सुंदर के तसल्ली के लिए हेलमेट पहन के रखा हूँ। बाल सुंदर की तसल्ली के लिए? हाँ, अगर उसने मुझे ढूंढ लिया और मेरे सर पर घने सुंदर काले घुंघराले बाल देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएगा। बस यूं समझ लो मैं किसी हॉस्पिटल में अपनी बची हुई टांग और हाथ लेकर आखिरी सांस लेता नजर आऊंगा। बेचारी मेरे हालत का नक्शा सुन के कितना डर गई है। नहीं नहीं, मैं तो हॉस्पिटल के बिल के बारे में सोचकर डर गई। बेवकूफ,
हॉस्पिटल के बिल के बारे में मत सोचो, मेरे बारे में सोचो, इस गंजे के सर पर बाल उगाने के बारे में सोचो। जीजू, अगर मैं इतना सब कुछ सोच सकती तो क्या मैं सेकंड ईयर में 5 साल तक लटकी रहती? प्लीज नताशा, प्लीज मजाक छोड़ो, बालों के बारे में सोचो। दीदी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे वो गंजे के सर पर बाल तो क्या फूल भी उग जाएंगे। चर्बी के सोल एजेंट मेरी टेंशन क्यों बढ़ा रहा है? हमें उसके सर पर बाल उगाने का हल ढूंढना है, उसके सर पर हल चला के बाल नहीं उगाने, समझे? मरेगा? हाँ। मरेगा? हाँ। ले मार। प्रिया भाभी। बोनी, तू कहाँ चला गया था? मैं पास वाले चाइना मार्केट गया था। क्यों, आजकल लड़कियों को अपॉइंटमेंट तू मार्केट में देने लगा है? लड़की से मिलने नहीं, मैं डॉक्टर चिंगपोंग से मिलने गया था। डॉक्टर चिंगपोंग? भाभी, डॉक्टर चिंगपोंग बड़ा ही पावरफुल आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पता है, पड़ोस वाली जोशी की गोद उन्हीं के आशीर्वाद से भरी है। मगर तू वहाँ क्यों गया था? अरे, आनंद को उस गंजे से बचाने के लिए डॉक्टर ने हमारी मदद की है। उन्होंने ये जड़ी बूटी देकर कहा है, इसे उगाल कर सर पे लगाते ही उस गंजे के सर पर बाल उग जाएंगे। मगर मुझे इन जड़ी बूटियों पर कोई विश्वास नहीं है। भाभी, डॉक्टर चिंगपोंग ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कई अंधों को आंखें दी है, बहरों को कान और गुंगों को जबान, फिर बाल किस खेत की मूली है, बड़ी दैवी शक्ति है उनके पास। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ बोनी, तू कंप्यूटर एज का इंसान है। भाभी, मेरा छोड़ो, माइकल जैक्सन जब इंडिया आया था डॉक्टर चिंगपोंग का आशीर्वाद लेकर गया था। कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनकी भौहें झड़ गई थी। तो क्या डॉक्टर ने फिर से उनकी भौहें उगा दी? भौहें क्या, डॉक्टर चिंगपोंग तो मूंछ भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन माइकल ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? कहा, ओ ना बाबा, मेरे जैसे मर्द को मूंछ सूट नहीं करती। सच बोनी, तेरा डॉक्टर तो बड़ा चमत्कारी है रे। फिर अभी आनंद को उस गंजे के पास लेकर जाता हूँ और जड़ी बूटी देकर आता हूँ। अरे बोनी, आनंद तो सवेरे से हेलमेट पहन के अंडरग्राउंड हो गया है। अंडरग्राउंड? हाँ। इसका मतलब वो सांता क्रूज में है। मगर तुझे कैसे पता? ये भी एक चमत्कार है। चमत्कार है? ओ केमिस्ट, वो बालों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का क्या हुआ? क्या कहा, खुद के बाल प्लान कराने के लिए अमेरिका गया? नहीं नहीं केमिस्ट, कुछ कर यार, बालों के बगैर मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अरे बालों के बगैर मैं कैसा लगता हूँ तेरे को मालूम है? जैसे कश्मीर बगैर इंडिया। नहीं नहीं यार, पर वो ससुर है ना मेरा ससुर, उसने बेटी देने के लिए इनकार कर दिया है अभी। नहीं यार, डॉक्टर बाली को वापस लाने का कुछ बंदोबस्त कर, आने जाने का खर्चा मैं दे दूंगा, समझा ना? हेलो सुंदर भाई। कौन है बे? अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं आनंद का दोस्त बोनी। ए तेरी तो, तू यहाँ कैसे आया? मोटर बाइक से। मजाक करता है, मार खाएगा? मैंने, मैं आपके सर पे बाल उगाने के लिए आया हूँ। मेरे सर पे बाल उगाने के लिए? अरे तेरा आनंद सिन्हा बाल उड़ाने की दवा बेचता है ना। अरे सुंदर भाई, वो तो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? इतना बड़ा एक्सीडेंट? अरे होता है होता है, आपको पता है आनंद ने एक दिन एक पागल आदमी को सर दर्द की गोली खिला दी, वो ठीक हो गया। अच्छा? देखा, होता है ना, होता है ना एक्सीडेंट। मेरे पास एक गोली है। कौन सी? 0.5 खाएगा? मजाक मजाक। अरे सुंदर भाई, मजाक छोड़िए ना, मैं आपके सर पे बाल उगाने के लिए डॉक्टर चिंगपोंग से जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। डॉक्टर चिंगपोंग? हाँ, ये मशहूर चाइनीज आयुर्वेदिक डॉक्टर है। चाइनीज आयुर्वेदिक डॉक्टर? आपको पता है, ये डॉक्टर 35 साल का होने तक उसकी मूंछें नहीं उगी थी, इसी जड़ी बूटी से उसकी मूंछें बढ़ गई। सच? मेरे बालों की कसम। बाल का नाम नहीं लेने का क्या? सॉरी सॉरी। इससे कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल नहीं। इससे बाल नहीं उगे तो? तो आपके पास वो 0.5 है ना, वो मुझे खिला देना। ठीक है, 10 दिन के बाद मिलते हैं। तब तक तेरा आनंद सिन्हा है ना, उसको बोल के रख। क्या? रोज गीता का पाठ करे। क्यों? मरने से पहले कोई अच्छा काम करना चाहिए ना। अगर बाल उग गए तो कोई खतरा नहीं ना। नहीं तो फिर क्या खतरा? मजाक मजाक। ओह माय गॉड, 10 days of टक्कल टेंशन। टक्कल टेंशन? हाँ, आज उस गंजे के 10 दिन पूरे हो गए, अगर उसके सर पर बाल नहीं उगे होंगे ना, तो वो यहाँ कर हम सबको गोली मार देगा। मैं कहीं से एक बुलेट प्रूफ जैकेट भाड़े पे ले आता हूँ। एक नहीं, दो लेके आना। दो? हाँ समझ गया, एक मेरे लिए, दूसरा आनंद के लिए। नहीं, दूसरा मेरे लिए। इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट की क्या जरूरत है, ये तो पंगा होते मेरे पीछे छुप जाते हैं। वो आ गया, मोनिका। अरे तो जाके दरवाजा खोलो ना, यहाँ ब्रेक डांस क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं लेडीज, तुम जाके दरवाजा खोलो, तब तक मैं सोफे के पीछे छिप जाता हूँ। ओके, लेकिन याद रखना ये सोफा बुलेट प्रूफ नहीं है। हाँ ठीक है। अरे आप? बाल सुंदर विद सुंदर बाल। क्या ये असली है? खींच के देखो,
खोपड़ी निकल जाएगी लेकिन बाल नहीं निकलेंगे। असली है, वीक नहीं है। वीक नहीं है, असली है। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे मुबारकबाद तो मैं आप लोगों को देने आया हूँ। अगर ये बाल नहीं उगते ना तो आप लोग मेरे हाथ से नहीं बचते। ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी शादी की बात तय करनी है। आपकी शादी? मुबारक हो, मुबारक हो। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। बाल विवाह मुबारक हो। आते जाते रहना। हाँ जरूर जरूर। अरे सर, अपना सर जरा कम हिलाइए। अंदर से भेजा हिलने की आवाज बाहर तक जा रही है। क्या हुआ, हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है क्या? तुमको कैसे पता चला? सर मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे मालूम है आज आप बहुत रोए, इसीलिए तो आपके अंदर इतना वाटर रिटेंशन हो गया और आप बिल्कुल वाटर बेड की तरह हो गए। क्या करेगा, क्या करेगा, हर हफ्ते एक नया केस अंडर कंज्यूमर एक्ट हमारी कंपनी के ऊपर चालू हो जाता है। वो कोर्ट में फाइट करते करते कर्जा इतना बढ़ गया है, कर्जा इतना बढ़ गया है, कभी बैंक का सिपाही भी हमको सलाम नहीं मारता है। सर मेरी भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। क्या अभी तुम्हारी प्रॉब्लम छोड़ो ना, ये कर्जा कैसे उठा रहेगा, कोई नुक्सा आना मांगता हमारा हाथ में। नुक्सा? हाँ नुस्खा दूंगा सर, मेरे पास एक नुक्सा है। तुम्हारा नुक्सा तुम्हारे पास रेड हो, जब भी हम तुम्हारा नुक्सा फॉलो करते हैं तो हमको बहुत नुकसान होता है। नुकसान? सिर्फ नुकसान ही नहीं होता है, सपने आते हैं रात को, सपने आते हैं कि कंपनी को इतना बड़ा ताला लग गया। तो फिर सर आज के बाद आप हमेशा अपने तकिए के नीचे एक बड़ा सा ताला लेके सोया कीजिए, बुरे सपने कभी नहीं आएंगे। कट द नॉनसेंस। वेरी गुड, वेरी ओबीडियंट, आई लाइक इट वेरी मच। एक काम करो, वो बाल बनाने का वो जड़ी बूटी का फॉर्मूला है ना, वो लेके आओ। सर वो तो मैंने बाल सुंदर को दे दिया। उसके पास लेके आओ, ये फॉर्मूला का यूज करके हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। सर वही नुक्सा तो मैं आपको बता रहा था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपको बैंक से 1,00,000 रुपया कर्जा और लेना होगा। क्यों? क्योंकि वो बाल सुंदर फोकट में मुझे वो फॉर्मूला थोड़ी देने वाला है। लगता है कि बैंक को भी अपने लिए एक नया ताला खरीदना पड़ेगा। सर आपके मैनेजर को फोन लगा? ताले के लिए? नहीं सर, 1,00,000 रुपए के लोन के लिए। लगा, लगा। सर आप डायल करेंगे? जरा शर्म आती थी छोटे छोटे। ये मोटी मोटी आंखें, ये काले काले बाल, कितना हैंडसम लग रहा हूँ आज मैं। वो मैं हूँ, ये तुम हो। वैसे आज बार बार ये आईना क्यों देख रहे हो? हेयर स्टाइल के बारे में सोच रहा हूँ। हेयर स्टाइल विदाउट हेयर, विद हेयर यार। तुम्हारा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना, 15 दिन के बाद बारी बाल, बारी बाल, यहाँ से बाल, यहाँ से बाल, यहाँ से बाल, यहाँ से। समझ गया समझ गया, 15 दिनों के बाद तुम बाला बाल हो जाओ। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, हेयर ड्रायर। किस खुशी में? अरे तुम्हारे प्रोडक्ट ने सारे प्रोडक्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया है। तो फिर तुम ही रख लो ना। नहीं यार, मुझे 15 दिन रुकना पड़ेगा ना, फिर बारी बार। कोई बात नहीं, तब तक के लिए एक ड्राई रन ले लो। ये रूखा सूखा टकला, ये उड़ते हुए बाल, तररा तररा तररा, देखा जो तुझे टकले, बुरा है मेरा हाल। क्या कर रहे हो तुम आनंद? पता है, मैं हमारे मोहल्ले के तमाम गंजों की लिस्ट बना रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में टोटल 510 गंजे हैं। 510? हाँ। तो पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में कितने गंजे होंगे ना? जितने भी होंगे, हम उनके चमकती गंज पर अपनी दवा छिड़क कर उनके सर पर बाल उगाएंगे और अपनी कंपनी ABUL को आगे बढ़ाएंगे। ABUL? हाँ, अब बाल उगेंगे लिमिटेड। यानी कि लिमिटेड बाल उगेंगे? नहीं नहीं, बाल तो अनलिमिटेड उगेंगे, लेकिन हमारी कंपनी लिमिटेड है। जहाँ देखो शायद कोई टकला बेल मार रहा है। देखती हूँ, देखती हूँ। हवलदार झंडे, आज कॉफी नहीं मिलेगी। आज मैं कॉफी पीने नहीं आया हूँ। तो फिर? आज मैं आनंद सिन्हा को गिरफ्तार करने आया हूँ। आनंद सिन्हा को गिरफ्तार? माफ करना भाभी, मैंने आज तक तुम्हारे घर से गुलाब जामुन, समोसे और क्या क्या नहीं खाया, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। वैसे आज क्या बनाया है? Shut up! तुम आनंद सिन्हा को गिरफ्तार करने क्यों आए हो? क्यों? अरे ये सवाल आप पुलिस स्टेशन में बैठे हुए उन तमाम गंजों से पूछो जो अपने किस्मत पे रो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि चिड़ियाघर से सारे बंदर छुटकर एक साथ पुलिस स्टेशन में आए। तुम कहां से छूट गए बंदर और क्या बकवास कर रहे हो? अपना हाथ आगे बढ़ाओ। मैंने अरे कह रहे नथु कह रहे हवलदारों से हाथ मिलाना बंद कर। मैं हाथ मिलाने नहीं आया हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए आया हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? कंज्यूमर एक्ट के अंदर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुमने नकली दवा बेचकर दुनिया के तमाम गंजों के चमकती किस्मत का मजाक उड़ाया है। नहीं नहीं, पर मेरी दवा असली है। हाँ, वही दवाई लगाकर बाल सुंदर के बाल उगे हैं। बाल सुंदर?
या कौन नया बंदर? ये नया बंदर वो बंदर है जो मेरी बेगुनाही का सबूत है। चलो पूछ लो उससे, उसका एक एक बाल चीख चीख कर ये गवाही देगा कि आनंद सिन्हा बेगुनाह है। उसका एक एक बाल चीख चीख के गवाही देगा कि ये सब मेरी दवा का चमत्कार है। बाकी रास्ते बताता हूँ। अरे चल ना, चल चल अवलार झंडे गिरफ्तार कर लो इसे। यही वो एक मिनट यार, हाय रब्बा तेरे बाल खा गए यार। अब कौन सा बाल तुम्हारी गवाही देगा? एक मिनट, घर में सब कुछ ठीक ठाक तो है? घर में ठीक ठाक, कोई गया तो नहीं? मतलब सर मुंडाते ओले तो नहीं पड़े? ओले पड़े। अबे तेरा बाप तो नहीं मरा? आपने सर मुंडा लिया ना सर, इसलिए पूछा। हाय राम, एक बाल भी नहीं बचा। अरे तेरी मेहरबानी से। मेरी मेहरबानी से? सेंटर में एक लंबा बाल खड़ा था, तेरा शैम्पू इस्तेमाल किया, वो भी दुनिया से उठ गया। ये जड़ी बूटी लगाने से भी बाल नहीं उगे? जड़ी बूटी? अरे वो बाल उगाने वाली जड़ी बूटी। कौन सी जड़ी बूटी? जो बोनी ने तुमको दिया था। कौन बोनी यार? अरे वो चाइनीज डॉक्टर। चाइनीज डॉक्टर? मैं कोई डॉक्टर बिक्टर को नहीं जानता। गिरफ्तार कर लो इसे, झूठ बोलने की जुर्म में। ये क्या रिएक्शन है यार, कुछ कहना चाह रहे कहो। नहीं ऐसा कैसा गिरफ्तार कर लो? तुम दोनों झगड़ा मत करो वरना इंडिया और चाइना के संबंध बिगड़ जाएंगे। और झंडे, अगर तुमने इसे गिरफ्तार नहीं किया तो तुम्हारे मेरे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। फिर एक कप कॉफी तो क्या, तुम्हें पानी तक नहीं पूछूंगा। ऐसा मत करो। देखो आजकल हमारे एरिया में पानी का बड़ा शॉर्टेज, मैं दोनों को अरेस्ट करता हूँ। किस सभा के अंदर? अरे कुछ लगा लेंगे। ऐसा घटिया सवाल मत पूछो, मैं चाहूँ तो तुम्हें 203 के अंदर भी गिरफ्तार कर सकता हूँ। 203? नया नया, ये कौन सा दफा है यार? ऊंची आवाज में बोलने का जुर्म। दोनों को चलना पड़ेगा, बाकी का काम कोर्ट में जज साहब देख लेंगे। आप ना ड्यूटी खत्म, चला। 203 लग जाएगा। आनंद, आनंद। अरे प्रिया तुम? हाँ, मैंने बाल सुंदर को पकड़ लिया है। देखो कैसे मुंह छुपा कर खड़ा है, इसने तुम्हें फंसाया है। अरे बाल सुंदर, बाल सुंदर तो ये है अंडर अरेस्ट। अगर ये बाल सुंदर है तो ये कौन है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कौन है? तो बोल 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 बोल। तो तोड़ूंगा मेरा जुड़वा भाई। ये टकले का जुड़वा भाई बाल वाला कैसे हो सकता है? छोड़ो ना, पता क्या नाटक है, बोल। नहीं नहीं, वो क्या है कि हम लोगों ने मिलके ऋषि केमिकल को ठगने का प्लान किया था। अच्छा तो ये प्लान था। चलो अब तुम दोनों जुड़वों को 420 के अंदर अंदर कर डाल दो। ए बोनी, चल ले चल उसे। ये चल चल चल। अरे थैंक यू प्रिया, थैंक यू। आज मैं तुम्हारी वजह से बच गया। मांगो, आज जो मांगना है मांगो। हेड क्लीनर शैम्पू के अलावा कुछ भी।